डॉक्टर रतनलाल के ऊपर जो केस बना है वो केस ही नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उनके खिलाफ, और जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है उन धाराओं में अरेस्ट नहीं हो सकते। अरमेश कुमार की एक जजमेंट है, 7 साल से कम की सजा, ठीक है, कर लिया अरेस्ट, उठा लिया, गुंडागर्दी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सभी जजेस, ये सभी पुलिस अधिकारी, ये सरकारी अधिकारी क्रिमिनल्स हैं। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? जो कानून तोड़ता है, ये क्रिमिनल्स हैं। जब तक हम इन्हें क्रिमिनल्स की नजर से ट्रीट नहीं करेंगे, ये लोग नहीं सुधरेंगे। चाहे वो डॉक्टर रतनलाल का केस हो, वो हर एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इनके खिलाफ ये केस बनाया, वो जेल जाएगा। जब तक नहीं जाएगा ये अन्याय होते रहेंगे। वो हर एक उसके पीछे बैठा पॉलिटिकल लीडर जिसने ये झूठा केस डॉक्टर रतनलाल पे कराया, जब तक वो जेल नहीं जाएगा, इसी मुकदमे में झूठा मुकदमा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति के ऊपर कराने का SC ST एक्ट की धारा 3 में प्रावधान है। जब तक ये सब लोग उसमें जेल नहीं जाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे। डॉक्टर ऋतु के केस में जिस प्रिंसिपल ने, जिस रजिस्ट्रार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये झूठे डॉक्यूमेंट बनाए हैं और SC कमीशन में पेश किए हैं, जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, जब तक बाकी लोगों को अकल नहीं आएगी, और जब वो जेल जाना शुरू होंगे तब न्याय और अन्याय में फर्क उनको समझ में आ जाएगा, और ये अन्याय तब बंद होंगे। और ये अदालतों से नहीं होने वाला है, मैं ये साफ बोल रहा हूँ। हम लोगों को जो मेरा सक्सेस रेट है SC ST और माइनॉरिटीज के केसेस में पूरे देश में, और मैं, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, मैं फिर इसलिए मजबूरी में कह रहा हूँ ये बात, मेरा सक्सेस रेट आज तक के सभी केसेस में 100% है। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए कि इस हालात में भी ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये हमारा 100% सक्सेस रेट जो है ये 20% सोल्यूशन है सिर्फ, 80% सोल्यूशन है हम लोग सड़क पे उतरें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें, वरना हमें न्याय नहीं मिलेगा। जो मनुवादी व्यवस्था से नहीं आते, शायद एक ही थे उनमें से, बाकी तो सब मनुवादी व्यवस्था से ही आते थे, और उनके दिल में भी अगर इतनी टीस थी तो आप समझ सकते हो असली हालत क्या कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 सिटिंग जजेस ने बोला, अब मुझे इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत है? रंजन गोगोई साहब जिनको, और उन्होंने आह्वान किया था पब्लिक से, आओ और आप हमारी रक्षा करो, नहीं किया हमने, तो अंजाम हुआ बाबरी मस्जिद की जजमेंट, अंजाम हुआ राफेल की जजमेंट, और अंजाम हुआ उन्हें राज्यसभा मिल गई। वो रास्ता डिफिकल्ट था, आसान रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। तो हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, सबसे अहम बात है। मैं तो कहता हूँ 2 जगह प्रोटेस्ट होने चाहिए, एक तो अडानी अंबानी के घरों के बाहर जो इस सरकार के असली मालिक हैं, मोदी जी के हमारे असली मालिक कौन है? नागपुर में तो बैठे ही हैं, लेकिन उनसे भी बड़े अडानी अंबानी और 5-7 लोग और, तो प्रोटेस्ट वहाँ होने चाहिए। और दूसरा प्रोटेस्ट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों के बाहर। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का मतलब यह है कि जनता तुम्हारे साथ खड़ी है, मत डरो इन अडानी अंबानी की सरकार से, मत डरो RSS की सरकार से, मत डरो मोदी और जो अमित शाह साहब हैं उनके 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 जो अत्याचार हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, देखो इससे भी फायदा होगा और न्याय व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, हर एक हाई कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब हम प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा, वो हमारे आगे आने वाले कामों में या हमें चुनाव में जो हमारी सक्सेस होनी चाहिए उसमें भी काम आएगा। तो मेरी, और एक मैं डॉक्टर उदित राज की एक और एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा, ये जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, मैं भी कांग्रेस पार्टी में अंदर बाहर सब जानता हूँ, मैंने बहुत साल काम किया है और अंदर रह के काम किया है, हाईकमांड के अंदर रह, ये जब तक अपना दिमाग ठीक नहीं करेंगी ना, डॉक्टर उदित राज के मन से नहीं बोलनी चाहिए, अब पता नहीं इन्हें फायदा होगा या नुकसान, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूँ, सच जरूर बोलूँगा। डॉक्टर उदित राज को, इतनी बड़ी शख्सियत को एक्सेल का चेयरमैन बना रखा है, ये पार्टी इलेक्शन जीतेगी, अंजाम वही होगा जो ये कारनामे कर रहे हैं।
जब तक अपनी मनुवादी मानसिकता ये सभी ऑपोजिशन की पार्टियां नहीं छोड़ेंगी, कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर अद्वित राज का ये प्रयोग यह है जो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, नहीं वो तो मैं नहीं कह रहा, अभी इतना भी एकदम सपने नहीं लेने चाहिए। अब कांग्रेस को 350 सीटें थोड़ी चाहिए। अच्छा तो मैं ये कह रहा था, तो किस किस को जनरल सेक्रेटरी बना रखा है जो कांग्रेस हाई कमांड के, और ये बात सभी पार्टियों के लिए सही है क्योंकि यहाँ मैं हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो चारों तरफ लोग बैठे हैं ना वो डायरेक्ट टच में हैं आरएसएस के नागपुर के हेडक्वार्टर से। जिसको सबूत चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं एक्सपर्ट हूँ नागपुर का। तो डॉक्टर उदित राज को तो इतनी, अब उदित राज साहब क्या कर लेंगे, ये है बड़ी बड़ी पार्टियों के फेलियर की वजह। लेकिन वो खुश हैं क्योंकि उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनको समझा रहे हैं बाई डिफॉल्ट जीत जाओगे। तो बीजेपी इतनी अनपॉपुलर हो जाएगी सडनली पता नहीं कैसे कि ईवीएम का भी असर खत्म हो जाएगा, और ये जो देश में हिंसा का माहौल बनाते हैं, मैं तो यही कहता हूँ कि ये सब आरएसएस वाले पाकिस्तान और चाइनीज जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिलके देश का ये बेड़ा गर्क कर जान के। तो जब ऐसा है तो डॉक्टर उदित राज कोई अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो अपोजिशन पार्टियां जिन्हें निग्लेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की ये सारे जो गंदे कारनामे हैं, जो आरएसएस और मनुवादियों के गंदे कारनामे हैं, वो कामयाब होते हैं। तो मुझे बस और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, कुछ गलती हुई तो माफ़ी भी चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन ये मेरे मन की भावना है। हाँ एक बात मैं और भूल गया कि हमें फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपनी करनी चाहिए, अपने लोगों के साथ ही बिजनेस करना चाहिए। और ये हमें सिखाते हैं ना, चलो इनसे एक बात तो सीख लें, ये बहिष्कार सिखा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। अगर इनकी बात सीख के हम ये कहें कि हमें ब्राह्मणों के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, अपना बैंक बनाना चाहिए। अभी गौतम साहब यहाँ बैठे हैं, मौर्य जी बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने लॉर्ड बुद्धा बैंक बनाया है, भंते जी भी यहाँ बैठे हैं, तो उसमें पैसे जमा क्यों ना करें, हमारे ही पैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हमारे लोगों ने गुजरात में भी, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने एक वो बनाया है बहुत बड़ा, जो ये अमेजन टाइप एक सर्विस सेंटर बनाया है, मॉल बनाया है, तो उन सब लोगों के साथ ही व्यापार करें, इनका बहिष्कार करें। मैं तो ये कहता हूँ एक भी ब्राह्मण को अगर आप वोट देना ही बंद कर दें, एस सी एस टी ओ बी सी चलिए बाद में हमारी जो लड़ाई है लड़ते रहेंगे, ब्राह्मण को वोट ही देना बंद कर दें तो देश की अर्थव्यवस्था, देश सुधर जाएगा। मनुवाद को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि एक भी ब्राह्मण को हमने वोट ही नहीं देना, चाहे किसी भी पार्टी से। इतना कर लें बस। और एक आर्थिक बहिष्कार जो ये हमें सिखा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वही इनके साथ कर लें, क्योंकि भाई हमें ऐसा लगता है हमारे जो अम्बेडकरवादी हैं कि हमारे साथ अत्याचार जो है ये मनुवादियों ने, ब्राह्मणों ने किया, तो हम इनका बहिष्कार कर दें। ये दो चीज़ें कर लें हम तो देश में बहुत सुधार आ जाए, या उनको इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। और हमारी हैसियत ही क्या है जो हम इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस तो मनुवादी कर रहे हैं क्योंकि उसी समाज के लोग जुडिशरी में 90% से ज़्यादा बैठे हैं, हम लोग इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, तो हमें टिप्पणी करना नितांत आवश्यक है। डॉक्टर ऋतु के केस में एक प्रिंसिपल है देश के एक महनाज कॉलेज की, दौलतराम कॉलेज की, तथ्यों पर बोल रहा हूँ। डॉक्टर ऋतु यंग एज में वहाँ सबसे अच्छी प्रोफेसर मिल गई तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तो हमें एक्सपोज कर रही है, ये देश की सच्चाई है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कह रही है तो ये तो इसको हम किसी तरह से हटा नहीं सकते, पढ़ाने लिखाने में सबसे अच्छी है, इसकी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे लाइक करते हैं, हटाएं कैसे। तो डॉक्यूमेंट फोर्स करती हैं एक प्रिंसिपल दौलतराम कॉलेज की, जो देश के सबसे बड़े कॉलेजों में से एक आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स के नाम पर डॉक्यूमेंट फोर्स करते हैं इनको हटाने के लिए, और हटाती है डॉक्यूमेंट फोर्स करके, और ये हाई कोर्ट जाती हैं, हाई कोर्ट इस बात के संज्ञान नहीं लेता, डिवीजन बेंच में जाती हैं, डिवीजन बेंच इस बात की संज्ञान नहीं लेता, टेक्निकल इश्यूज पे उड़ाते हैं कि जी ये बात हम सुनेंगे ही नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं दसियों जजमेंट्स ये बात को कहती हैं कि सारे कोर्ट्स की एग्जिस्टेंस यानी का उनका अस्तित्व इसलिए है कि वो सच की तलाश करें। न्याय का मतलब क्या है? सच की तलाश करके उसको इंप्लीमेंट करना। तो डॉक्टर ऋतु का वो फोर्ज फर्जी डॉक्यूमेंट पे हटाया जाना
दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने नहीं देखा, दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने नहीं देखा। फिर डॉक्टर रितु जाती हैं अपनी कंप्लेंट करने एफआईआर की, क्योंकि इनको उससे पहले लीगल एडवाइज ही नहीं थी कि इनके साथ जो ये हुआ है ये एससी एसटी एक्ट में एट्रोसिटी है। जब प्रॉपर लीगल एडवाइस मिली, मैं नहीं बताना चाहता किस वकील ने दी, तो फिर ये कोर्ट जाती हैं, मतलब पुलिस स्टेशन जाती हैं एफआईआर दर्ज कराने। तो पुलिस वाला तो क्यों एफआईआर दर्ज करेगा, दौलतराम कॉलेज तो वहाँ से मेरे ख्याल से 50 मीटर भी दूरी पर नहीं है, बराबर नहीं है। और एक वो बताती हैं, मैं भूमिहार कमेटी से कम्युनिटी से आती हूँ जिसकी रणबीर सेना है, और रणबीर सेना ने क्या किया वो समझ लो, मैं भी वही करूँगी। ये ओपनली बोलती हैं, रणबीर सेना की धमकी देती हैं, तो पुलिस वाले ने एफआईआर नहीं की। ये डीसीपी के पास जाती हैं, डीसीपी ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये कोर्ट जाती हैं एससी एसटी का स्पेशल कोर्ट जो बनाई इनकी देख रखवाली के लिए, इनकी देखभाल के लिए, जिसकी ड्यूटियां लगी हुई हैं इससे लेजिस्लेशन से, एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, वो इनकी पिटीशन उठा के फेंक देते हैं। फिर एफआईआर दर्ज होती है, वो जैसे भी हुई उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो मैं अभी बताऊंगा, वैसे वो जनरली बताऊंगा। जब एफआईआर दर्ज होती है तो इनकी एक एक बात सच साबित होती है कि हाँ वो स्टूडेंट ही नहीं है, वो स्टूडेंट ही नहीं है जिन्होंने वो साइन किया। तो इतना बड़ा अन्याय इस हाई कोर्ट लेवल की डिवीजन बेंच से होके नजरों से चला गया और कोई ध्यान नहीं, और हम जजेस की क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा।